चलिए इंदौर का जायजा लिया था, सोल्ड आउट है, मान का जन स्थली है इंदौर और इस शहर में। अच्छा ये बताइए कि पहला शो आप लोग, आपके ग्रुप का नाम क्या है बॉस? इंदौर। इंदौर में ऐसी क्या खासियत है कि सलमान जब भी होते हैं? आपकी बात सुनना चाहूंगा। भाभी जी भाभी ने एकदम टाइम पे एंट्री मारी, भाभी ने हर जगह टाइम पे एंट्री मारी। चलिए सर चलिए बताइए म्यूजिक की बात की। चलिए स्वागत हुआ, स्वागत तो कर लेंगे लेकिन उसके अलावा जो दूसरे नंबर से कोई एक वन फाइनल क्वेश्चन विद ऑल यू गाइस, आज ही कोई और रिएक्शन लेना चाहेगा इस पर? मूवी काफी जबरदस्त थी, इसमें संदेश मिला हमें दो देशों के बीच में, भाईचारा मिला इसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान के प्रति, काफी अच्छी लगी मूवी। गाने तो इतना इंटरेस्ट है, बाकी सलमान भाई में और भाभी में काफी इंटरेस्ट आया। बहुत बढ़िया मूवी है ना, बेस्ट अच्छे ऑसम रही। सलमान खान का इसमें इसमें किरदार रहा बड़ा, और अपना कैटरीना मैम का बहुत अच्छा एंट्री रही, बेस्ट एंड बेस्ट। सलमान खान तो बहुत फर्स्ट टाइम हमारा हमारे ग्रुप में फर्स्ट डैन फर्स्ट शो जाता है इस बार, या हर साल क्या हर साल जाएगा हमारे इस बार। आपको क्या सर मूवी सर ऑसम है, सभी सीन बढ़िया लगे, शूटिंग वगैरह सब बेटर हुई है, भाई का रोल भी अच्छा था, भाभी का रोल भी अच्छा था। मूवी बहुत शानदार थी, सिक्वल्स वगैरह भी बहुत बढ़िया थे, एक्शन था उसमें अच्छा, और यूनिटीज़ बताइए दोनों देशों के बीच में, एक अच्छी यूनिटीज़ बताइए उन लोगों ने। हाँ जी मूवी सर बहुत बढ़िया है, जो जैसा सोचा था मूवी के बारे में उससे मूवी 10 गुना बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी है। गाने तो बहुत सुपर गाने हैं सारे, म्यूजिक तो बहुत ही अच्छा, 10/10 गाने जा रहे पूरे। बाहुबली पार मूवी जैसा हम सोचिएगा था वैसे ही हुआ, और सबसे ज्यादा हमको एंट्री जैसा हम सोचिएगा था उससे ज्यादा फाड़ू मिले हमको मूवी में, उस समय 200+ गए थे हम। बाहुबली पार गाने सारे हिट है, और भाई का एंट्री सबसे ज्यादा, बार बार एंट्री का बोलूंगा, भाई का एंट्री मुझे ज्यादा अच्छी लगी। ये मैं बता दूं कि हमारे जो पावर टेक्स इंडिया जो 1 अप्रैल 2017 को स्टार्ट हुआ है, माननीय कपड़ा मंत्री महोदया स्मृति ईरानी जी के द्वारा, उसी स्कीम के तहत की ये स्कीम है बायर सेलर मीट्स,